हेलो दोस्तों, धर्मराज क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक अनोखी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो है यूएसपी रिएक्टर। यूएसपी रिएक्टर यानी अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकर रिएक्टर, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक बेहद इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जो बिना ऑक्सीजन के वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं, और इस प्रोसेस में बायोगैस भी उत्पन्न होती है। ये रिएक्टर इसलिए भी काफी पॉपुलर है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप आगे इस वीडियो में बने रहिए और जानिए यूएसपी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में रिवॉल्यूशन कैसे ला रही है। तो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप धर्मराज क्रिएशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूएसपी रिएक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में देखिए क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएसपी रिएक्टर क्या होता है, यूएसपी रिएक्टर का वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है, यूएसपी रिएक्टर में कितने जोन होते हैं, सभी जोन में क्या क्या रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूएसपी रिएक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, यूएसपी रिएक्टर को क्यों सेलेक्ट किया जाता है, इसके साथ साथ जानेंगे यूएसपी रिएक्टर के स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे कि यूएसपी रिएक्टर को यूज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएसपी रिएक्टर क्या होता है। यूएसपी का जो फुल फॉर्म है वो है अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। तो देखिए क्या होती है यूएसपी रिएक्टर। यूएसपी रिएक्टर एक प्रकार की बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया का उपयोग करके ऑर्गेनिक मैटर को मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बायोगैस में ब्रेक करती है। यह एक सिंगल टैंक सिस्टम है जो वेस्ट वाटर से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए हाईली इफिशियंट होती है, विशेष रूप से हाई ऑर्गेनिक लोड वाले वेस्ट वाटर को। तो यूएसपी रिएक्टर क्या होता है इसके बारे में तो आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि यूएसपी रिएक्टर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, यानी कि इसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो यूएसपी रिएक्टर कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। यूएसपी रिएक्टर में जो इन्फ्लुएंट है, यानी कि जिसको हमको ट्रीट करना है, जो हाई ऑर्गेनिक लोड जिस वेस्ट वाटर के अंदर है उसको हम लोग इसके बॉटम में फीड करते हैं, यानी कि इसके बॉटम से क्या होती है, वेस्ट वाटर इंटर करती है और वेस्ट वाटर का फ्लो बॉटम से टॉप की तरफ होती है, यानी कि नीचे से ऊपर इसका जो फ्लो होती है अपवर्ड होती है। जो वेस्ट वाटर जो एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके जो संपर्क में आती है, तो वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करती है, और जिसके दौरान जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है, बायोगैस जिसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर उसके बाद बायोगैस को सेपरेट किया जाता है, और सेपरेशन के बाद हमारा जो ट्रीटेड जो वाटर होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट, यानी जो ट्रीटेड वाटर है वो हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो अपनी यूएसपी रिएक्टर वर्क करती है, इसको हम लोग जोन वाइज समझ लेते हैं कि कैसे यूएसपी रिएक्टर पूरी तरह से काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट जोन है वो है इन्फ्लुएंट जोन। तो यूएसपी रिएक्टर को जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें जो सबसे जो निचला जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंट जोन, और ये रिएक्टर का सबसे बॉटम जोन है, इसलिए इसको बॉटम जोन भी बोला जाता है। प्रोसेस की बात करें इन्फ्लुएंट जोन की, तो इसमें वेस्ट वाटर को इंटर करते हैं सबसे बॉटम वाले हिस्से से, और वेस्ट वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। कि इसकी रोल्स क्या होती हैं, कि वेस्ट वाटर को हम लोग बॉटम जोन में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, जिससे जो वेस्ट वाटर की वेलोसिटी क्या होती है कम हो जाती है, यानी कि ये क्या करती है, पहले हम लोग हाई वेलोसिटी को जो फीड करते हैं, लेकिन इस जोन में जाते ही क्या होती है, वेस्ट वाटर की वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होने लगते हैं, और रिएक्टर के अंदर जो स्लज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में आने लगते हैं, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो बॉटम जोन में रिएक्शन की बात करें, तो इसमें वेस्ट वाटर के संपर्क में जैसे ही एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं, तो वो इस वाटर के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो ब्रेक करना चालू करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं या तैयार कर देते हैं इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस होती है अपनी इन्फ्लुएंट जोन में, यानी कि बॉटम जोन में।
तो यूएसबी रिएक्टर का जो सेकेंड जोन है वो है स्लज ब्लैंकेट जोन। स्लज ब्लैंकेट जोन अपना बॉटम जोन के ऊपर ही होता है। तो जैसे वेस्ट वाटर बॉटम जोन से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं यूएसबी रिएक्टर में जो वेस्ट वाटर है नीचे से ऊपर की तरफ भी ट्रेवल करता है, तो बॉटम जोन से कहाँ जाएगा, अब स्लज ब्लैंकेट जोन में जाएगा। तो स्लज ब्लैंकेट जोन में होता क्या है, देखिए स्लज ब्लैंकेट जोन में ग्रेनुलर स्लज होती हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि सघन आबादी में वो ग्रेनुलर स्लज होती हैं, जिसी को हम लोग बोलते हैं स्लज ब्लैंकेट जोन। इसमें एनर्बिक बैक्टीरिया होती हैं। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो जैसे ही वेस्ट वाटर स्लज ब्लैंकेट जोन में आता है तो वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी कि उनको एनर्बिक डाइजेशन के माध्यम से उसको कन्वर्ट करती रहती हैं। इसमें रिएक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, इसी में अपने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है उसको सिंपल ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। फिर होती है एसिडोजेनेसिस रिएक्शन, जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड को वोलेटाइल फैटी एसिड जिसको हम लोग VFA बोलते हैं और एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद होती है एसिटोजेनेसिस रिएक्शन, जिसमें वोलेटाइल फैटी एसिड और एल्कोहल्स को एसिडिक एसिड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। और लास्ट अपनी जो रिएक्शन होती है वो होती है मेथिनोजेनेसिस रिएक्शन, जिसमें एसिडिक एसिड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये होती है स्लज ब्लैंकेट जोन में ये सब पूरी प्रोसेस। इसके बाद जो यूएसबी रिएक्टर का जो थर्ड जोन है वो है गैस लिक्विड सॉलिड सेपरेटर जोन, जिसको शॉर्ट में GLSS जोन भी बोला जाता है। तो GLSS जोन में जो वेस्ट वाटर है वो स्लज ब्लैंकेट जोन से होने के बाद आती है, यानी कि ये क्या है अपनी तीसरी जोन है। और वाटर का जो फ्लो है नीचे से ऊपर की तरफ होती है, तो पहला अपना जो बॉटम जोन से, फिर स्लज ब्लैंकेट जोन से, और फिर थर्ड जोन है क्या है GLSS जोन। तो GLSS जोन में वो वेस्ट वाटर आती है जो जिसका रिएक्शन हो चुका है। तो उसमें क्या होती है, कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें अपनी मेथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, स्लज होती है और लिक्विड होती है। तो इस जोन का काम होता है उन सबको क्या सेपरेट करना। तो देखिए जो गैस क्या है वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये क्या करती है इस जोन में क्या होती है अपनी गैस होल्डर होती है, तो गैस होल्डर में जितने भी जो गैस हैं उनको सेपरेट कर लेती है, जो लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेती है, और जो सॉलिड है वो इस जोन के द्वारा सेपरेट होकर वो सेटल हो जाती है। और फाइनली इस जोन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। और लास्ट अपनी जो जोन है यूएसबी रिएक्टर की वो है इफ्लुएंट जोन, जिसको हम लोग टॉप जोन भी बोलते हैं। इस जोन में वो वाटर है जो ट्रीटेड वाटर है, यानी कि जिसके अंदर से हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिमूव कर लिया, यानी कि 90-95% उसके अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो रिमूव हो गया और ये फाइनली ट्रीटेड हो गया। और ये भी क्या होती है धीरे 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 ये क्या होती है इसका लेवल राइज होता है और इसको हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं। इस जोन में भी वाटर के अंदर कुछ भी और सॉलिड रह जाता है तो फाइनली वो सेटल हो जाता है, इसके बाद कोई भी सेटलिंग जोन अपनी नहीं होती है। और फाइनली जो यूएसबी रिएक्टर के द्वारा पूरा अपना जो वाटर है वो ट्रीट हो जाता है। तो यूएसबी रिएक्टर में होने वाले जो रिएक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जो रिएक्शन अपनी स्लज ब्लैंकेट जोन में होती है। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो पॉलीमर होते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, जिसमें अमीनो एसिड शुगर्स फैटी एसिड में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो यूएसबी रिएक्टर के अंदर जो मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए इसकी जो रिएक्शन देखा जाए तो जो प्रोटीन्स प्लस वाटर ये मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में और शुगर्स में। जो सेकेंड रिएक्शन है वो है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में जो अपने हाइड्रोलिसिस के बाद जो सिंपल जो कंपाउंड्स मिले उनको एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा जो सिंपल जो कंपाउंड्स को फर्मेंटेट किया जाता है और फर्मेंटेशन के दौरान वोलेटाइल फैटी एसिड, एल्कोहल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, जो अपने जो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो सेलुलोज है वो एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो थर्ड रिएक्शन है वो है एसिडोजेनेसिस। इसमें एसिडोजेनेसिस रिएक्शन के बाद जो प्राप्त
वोलेटाइल फैटी एसिड जिसको हम VFA बोलते हैं, एल्कोहल्स और हाइड्रोजन गैस को एसिटोजिनेसिस बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है एसीटेट में, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है एसिटोजिनेसिस का, जिसमें प्रोप्रियोनेट प्लस वाटर के दो मॉलिक्यूल्स मिलके एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फोर्थ और लास्ट रिएक्शन जो होती है यूएसपी के अंदर वो है मेथनोजेनेसिस रिएक्शन। मेथनोजेनेसिस में क्या होती है कि अपना जो एसिटोजेनेसिस के रिएक्शन के बाद जो एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा उनको मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में होती है। पहले क्या होती है, एसिटिक एसिड को ये मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, और दूसरे में क्या होती है, जो हाइड्रोजन जो गैस है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, दोनों मिलके मेथेन और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से यूएसपी रिएक्टर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसमें मुख्य रूप से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यूएसपी रिएक्टर के टाइप्स की हम बात करें तो फर्स्ट है कन्वेंशनल यूएसपी रिएक्टर। कन्वेंशनल यूएसपी रिएक्टर ये कॉमन यूएसपी रिएक्टर होता है और ये मैक्सिमम जगह इसका ही उपयोग किया जाता है। इसमें सिंगल स्टेज प्रोसेस होती है। वही हम लोग बात करें सेकेंड टाइप का, तो उसको बोलते हैं टू फेज यूएसपी रिएक्टर। टू फेज यूएसपी रिएक्टर में तो दो यूएसपी रिएक्टर को लगाया जाता है जो एक सीरीज में होते हैं। ये वहां पर प्रेफर किया जाता है जहां पर आपको ट्रीटमेंट एफिशिएंसी है ज्यादा इंप्रूव करना हो। जो थर्ड यूएसपी रिएक्टर हो है एक्सपेंडेड ग्रेनुलर स्लज बेड, जिसको शॉर्ट में EGSB रिएक्टर भी बोला जाता है। यह जो रिएक्टर है ये यूएसपी रिएक्टर का ही मॉडिफिकेशन है, यानी कि उसी का एक मॉडिफाइड रूप है, और इसमें जो स्लज जो ब्लैंकेट जो जोन होती है वो ज्यादा होती है और जिससे एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये तीन तरह के अपने यूएसपी रिएक्टर होते हैं। तो अब बात करते हैं कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूएसपी रिएक्टर का सिलेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों यूएसपी रिएक्टर को चूज करते हैं। तो देखिए यूएसपी रिएक्टर को चूज करने का बहुत सारा एडवांटेज है जिसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है इसका जो एडवांटेज है, हाई ऑर्गेनिक लोड कैपेसिटी। जो यूएसपी रिएक्टर है ये एक एनर्जी रिएक्टर है और इसकी जो ऑर्गेनिक लोड कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी होती है और ये हाई ऑर्गेनिक लोड के लिए बहुत ज़्यादा इफिशियंटली वर्क करती है। दूसरा है बायोगैस प्रोडक्शन। ये जो रिएक्टर है इसके द्वारा जो वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद जो ऑर्गेनिक जो पोलुटेंट को डिकम्पोज करने के बाद बायोगैस प्रोड्यूस होता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। तो ये एक एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में काम करती है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है कॉम्पैक्ट डिजाइन। ये जो रिएक्टर है एक तो ऑर्गेनिक लोड की हाई ऑर्गेनिक लोड के लिए डिजाइन होती है और इसको कम से कम जगह में लगाया जा सकता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो है लो ऑपरेटिंग कास्ट। यूएसपी रिएक्टर को चलाने के लिए आपको कम से कम एनर्जी की और कम से कम केमिकल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट करती है उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है। जो फिफ्थ है वो है रिड्यूस स्लज प्रोडक्शन। जो एरोबिक जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसकी तुलना में जो यूएसपी रिएक्टर है, यानी कि जो एनरोबिक जो अपनी जो रिएक्टर होती हैं उसमें जो स्लज की जो प्रोडक्शन होती है बहुत ही कम होती है, तो स्लज का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए भी इसको चूज करते हैं। रोबस्टनेस टू शॉक लोड। ये जो यूएसपी रिएक्टर है इसमें अगर आप ऑर्गेनिक लोड कम या ज़्यादा करते हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शॉक लोड, अचानक से लोड बढ़ गया या कम हो गया, तो उससे भी सिस्टम के ऊपर इम्पेक्ट नहीं आता है, इसलिए भी इसको यूज करते हैं जहां पर जो इफ्लुएंट का वेरिएशन हो। वाइड रेंज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो यूएसपी रिएक्टर होती है इसको अलग अलग तरह के वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपका जो वेस्ट वाटर हो वो हो डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चरल हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो वेस्ट वाटर है जिसके अंदर हाई ऑर्गेनिक लोड है तो उसको यूएसपी रिएक्टर के द्वारा आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं यूएसपी रिएक्टर के स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा के बारे में। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा है, किसी भी हो सकता है आपके प्लांट के डाटा से मैच करे या ना भी कर सकता है, तो इसको एज ए एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। इसमें जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होते हैं नियरली 6 to 24 hours होती है। जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होती है जिसको शॉर्ट में OLR बोलते हैं वो 10 kg CO2 प्रति मीटर क्यूब प्रति
डे होती है। इसकी अपफ्लो वेलोसिटी 0.5 to 1 meter प्रति हावर होती है। इसकी जो टेम्परेचर होती है वो होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। पीएच लेवल 6.5 टू 7.5 होता है। स्लज ग्रेनुलर साइज होती है, जो स्लज की जो साइज होती है वो 1 to 3 mm इन डाया होती है। इसमें जो स्लज प्रोडक्शन होती है वो होती है 0.1 to 0.3 kg स्लज पर kg या COD। जो गैस प्रोडक्शन रेट होती है यूएसबी रिएक्टर की वो होती है 0.3 to 0.5 meter cube पर kg ऑफ COD रिमूवल। और इसमें 60 to 70% मेथेन गैस होती है जो आपकी जो बायोगैस निकलती है। इसकी जो इनलेट और आउटलेट COD की बात करें तो इसकी इनलेट जो COD होती है वो 1000 से लेकर 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर, और इसके आउटलेट जो COD होती है यानी कि जो ट्रीटेड वाटर की जो COD होती है वो 200 to 500 मिलीग्राम प्रति लीटर एक एवरेज डाटा है। और इसमें जो COD रिमूवल की जो एफिशिएंसी होती है वो तो 70 to 90% होती है किसी यूएसबी रिएक्टर की। तो ये तो होता है इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा। यूएसबी रिएक्टर के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज, पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेज के चार्ट में कि जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है हाई ऑर्गेनिक रिमूवल एफिशिएंसी। सेकंड इसका जो एडवांटेज है प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि बायोगैस प्रोड्यूस करती है। थर्ड इसका एडवांटेज है कि इसकी जो डिजाइन होती है कॉम्पैक्ट डिजाइन होती है। फोर्थ इसका एडवांटेज है कि लो ऑपरेटिंग कास्ट, क्योंकि इसमें को चलाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और केमिकल्स की भी कम से कम जरूरत पड़ती है। फिफ्थ इसका एडवांटेज है रिड्यूस स्लज प्रोडक्शन, एरोबिक सिस्टम की तुलना में एरोबिक जो सिस्टम है ये इसमें स्लज कम जनरेट होती है। जो सिक्स्थ इसका जो एडवांटेज है रोबस्टनेस टू शॉक लोड, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो लोड है उसमें वेरिएशन यानी कि हाइड्रोलिक लोड के भी वेरिएशन से इसके ऊपर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आता, उसको ये बियर कर जाते हैं। जो सेवंथ इसका जो एडवांटेज है एबिलिटी टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि अलग अलग तरह के वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में सक्षम होते हैं। अब यूएसबी रिएक्टर के डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट है सेंसिटिविटी टू टॉक्सिक सबस्टेंस, यानी कि टॉक्सिक सबस्टेंस को लेके एक थोड़ा क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है रिक्वायर्ड केयरफुल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको जो ट्रेन ऑपरेटर चाहिए जिससे ये सिस्टम को अच्छी तरह से चला पाए केयरफुली। थर्ड डिसएडवांटेज है पोटेंशियल फॉर स्लज बेड इंस्टेबिलिटी, और फोर्थ जो डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपेसिटी फॉर नाइट्रोजन रिमूवल। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यूएसबी रिएक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, यानी कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, इसकी जोन वाइज ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, यूएसबी रिएक्टर कितने टाइप्स की होती हैं, यूएसबी रिएक्टर को क्यों सेलेक्ट किया जाता है, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा क्या हैं और यूएसबी रिएक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।